नमस्कार, रेडियो सानवी 96.4 MHz तथा www.radiosanvi.com से ऑनलाइन तथा फेसबुक के माध्यम से प्रसारण होखे वाला कार्यक्रम जन सरोकार में स्वागत तथा अभिनंदन करतानी हम कार्यक्रम प्रस्तुता राजू बैठा। जन सरोकार कार्यक्रम अपने सब हरेक शनिचर के सजिया के 5:15 बजे से 6 बजे तक सुन सकेनी। जन सरोकार कार्यक्रम में जनता से जुड़ल अनेक विषय वस्तु पर जनप्रतिनिधि, नेता, राजनीतिक तथा सामाजिक अगुवा तथा चर्चा परिचर्चा करेनी सन। इहे संदर्भ में चर्चा परिचर्चा करे खातिर हमनी के साथ में बानी हमनी के आज के अतिथि, नेकपा के केंद्रीय सदस्य तथा बारा जिला के सह इंचार्ज डॉक्टर गोपाल ठाकुर जी। श्रोताबिन, अपने लोग के जानकारी विभिन्न पेपर मीडिया से भइल हुई, अभी के जौन पर्सा जिला के स्थिति बाटे, पर्सा जिला के स्थिति जौन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के जौन स्थिति बा, ऊ स्थिति एकदमे मने भयावह स्थिति बाटे, आंतरिक द्वंद में जौन चुरलुंग डुबल स्थिति बाटे। ई स्थिति भइला के बाद से कार्यक्रम में आदमी के कार्यकर्ता लोग के मृत्यु हो गई स्थिति बाटे, मुकेश चौरसिया जी के मृत्यु हो गई बाटे, अपने के बिंदवासनी गाँव पालिका के मुकेश चौरसिया जी नेकपा के सदस्य बने उनकर मृत्यु हो गई स्थिति बा। इहे संदर्भ में हमनी के बीरगंज में आज एसपी कार्यालय के अगाड़ी आंदोलन होखे वाला भी स्थिति बा। अपने लोन सब कोई पेपर मीडिया में भी देखले होखेम, ऑनलाइन मीडिया में भी देखले होखेम, तो उसे ई स्थिति में ई स्थिति काहे होताटे, हमनी के नेकपा पर्सा जिला के अंदर काहे होताटे, ई स्थिति के बीच में हमनी के इहे विषय पर चर्चा परिचर्चा करे खातिर हमनी के बारा जिला के सह इंचार्ज तथा नेकपा के केंद्रीय सदस्य गोपाल ठाकुर जी के हमनी निमतैले बानी सन। वहाँ हमनी के साथ जुट चुकल बानी, हमनी के सबसे पहले वहाँ के स्वागत कइल। गोपाल ठाकुर सर, स्वागत बा अपने के कार्यक्रम जन सरोकार में। धन्यवाद, धन्यवाद। डॉक्टर गोपाल ठाकुर जी, हम सर्वप्रथम अपने से पहल का प्रश्न हम सीधा पूछे के चाहें कि अपने लोग के कार्यक्रम काहे हिंसक हो जाता डे, एकरा पीछे का कारण बा, आदमी के मरे वाला स्थिति काहे हो जाता? सबसे पहले राजनीति के अपराधीकरण आ चाहे अपराध के राजनीतिकरण कहें, ये पहल का कारण बा जी। जेकरा चलते एक से एक अपराधी के अपराध नुकावे खातिर चुरा के नुका के बलपूर्वक देखा के पार्टी में प्रवेश करा के टिकट देवे के काम ओकरा खातिर बहुत हद तक अभी के जौन मतलब व्यवस्था बा संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र, ये संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के दिशा तक कहल गेल बा कि समाजवाद खातिर ई रास्ता तैयार करी, बाकी समाजवाद खातिर ई रास्ता तैयार करे से ज्यादा नेकपा के वर्तमान सरकार के जौन रवैया बा वो रवैया के देखला के बाद वो तरफ ई जाए के नहीं चाहत, बल्कि ई विशुद्ध रूप से एक तरह के मतलब खुला खुला बाजार टाइप के मतलब ई पूंजीवादी व्यवस्था आहु में नव सामंती टाइप के ई व्यवस्था में जाए के कारण बा पहल का कारण जी। ओकरा कारण अभी के जौन मतलब चुनाव प्रणाली बा, ई चुनाव प्रणाली में पार्टी में जौन सारा जीवन देलक उ आदमी के कोनो मान पूछ नहीं खे। सबसे पहले प्रश्न आ जाई, तोरा लगे करोड़ रुपए बा, 2-4 करोड़ बा खर्चा करे के जे तू उम्मीदवार बनबो, हई फलना महाजन आवतलन पार्टी में उनकरा के लिए आव जी, हई फलना सेठ आवतलन पार्टी में उनकरा के लिए आव, तो उ तो लूट के धैले बटे या फिर कोनो अपराध करी और बाद में बटे फिर पैसा वैसा से सब मतलब दबा दी जी। तो इहे कारण से प्रमुख कारण डॉक्टर साहब, इहे कारण से आदमी के मार दे वाला भी स्थिति आ जाता टे? बिल्कुल बिल्कुल, ये कारण तो ऐसन कारण बा, पैसा के आग आज बसे प्रभुता के आग जोन बा, सत्ता या पैसा दोनों एक जगह मिल जाए तब आदमी के कहां मूल्य रहे। गोपाल सर, ओकरे ओकरे ही प्रदर्शन है।
गोपाल सर, ई जौन बात रउआ बता रहल बानी तो अभी तक ले लगभग परसा जिला का हमनी के नइखे लागत कि अब रउआ हो सके जानकारी होके, लेकिन हमनी के नइखे लागत हमनी के अनुभव से कि पार्टी के एगो कार्यक्रम में पार्टी में आंतरिक द्वंद तो होखेला, वो अपना जगह पर बात बाटे, आंतरिक संघर्ष होखेला, आंतरिक द्वंद होखेला, आंतरिक कॉम्पिटिशन होखेला, लेकिन एकरा चलते आदमी के हत्या कर दे वाला, आदमी के मृत्यु हो जाए वाला स्थिति तो अभी तक ले ना आइलक हुए दू नंबर प्रदेश में। बिल्कुल ना आइलक ह, लेकिन अब आ गए काहे कि जौन बात रउआ बता रहल बानी जे पूंजी पति लोग भी आ गइल, पैसा से टिकट बेचाए वाला स्थिति हो जाता टे, तो ई सब तो एकरा पहले भी तो रलक हुए न डॉक्टर साहब। हाँ, तो एकरा पहले का रख जे ओकर जब प्रतिरोध ना होत रलक तब तक ले उ चलत रलक, लेकिन क्रमशः पार्टी में दू लाइन के संघर्ष जब चली जी, तो गलत के विरुद्ध में जे वैसे एक तरह से फिर मतलब लोग तो लगबे करी। अब रुआ बताई हम माने हम अपने के जहां तक ले बात काहे कि हमर घर बारह बाटे आप पढ़ल बानी, हम यही ठाकुर राम कैंपस से हम मतलब ग्रेजुएट कैले बानी जी, बुझ नहीं तो हमारा बीरगंजो के बारे में या परसों जिला के बारे में बहुत कुछ था बा, आ मुकेश जी के भी हम बहुत नजदीक से जानत रहनी जी। तो अब जब से जौना जगह ये घटना भइल ओ जगह प्रदेश कमेटी के द्वारा अनुमोदित अध्यक्ष सचिव के नाम जौना में स्थानीय तह के या चाहे जिला कमेटी स्तर पर कोनो तरह के विवादे ना रहे अध्यक्ष सचिव में जी। वो जगह अगर घटना होता आ ऐसा घटना होता कि एक बार मतलब आदमी के मार दिया था जी, तो ये तो अपने के मतलब ये बात न बा जी। डॉक्टर साहब, गोपाल सर, अपने से हम एगो सवाल हमरा के सबसे पहले एकरा के पहले प्रश्न कर दी। अच्छा, प्रश्न कर दी। ओमे का भइल कि अध्यक्ष आ सचिव दोनों में से वो निम्न पूंजीवादी सामंती चिंतन वाला माने पक्ष के सहयोग करनी यार कौन ना भइल कह के सबसे बड़का मतलब गड़बड़ हो गई कि बिहान हो सकता है यहाँ भला आदमी लोग के कहीं टिकट मिल जाए, यहाँ पार्टी में काम करे वाले लोग के पार्टी में इतिहास रहा लोग के टिकट मिल जाए, पार्टी वो लोग के पार्टी सही ढंग से ना चले लागे। एकरा चलते जे बसे अपने के सबसे पहले हम ई विनम्रता के साथ अनुरोध करता नहीं कि जितना माने कहेला अहिंसा अहिंसा अहिंसा, खास करके सामंती लोग आ पूंजीवादी लोग बेसी अहिंसा के बात करेला, अहिंसा उहे लोग करावेला ओकरे ई प्रतिफल बा जी। अब रुआ से हम दोसर सवाल पूछे के चाहे ये संदर्भ में हमनी के जल्दा बल्दा विषय ये बा, अपने खुद अपने अपना मुँह से ही कहनी है कि जो हम तो बारा के नेता बानी, लेकिन परसा में भी हमार सारा चीज मैंने बीतल बा, ग्रेजुएशन यहाँ कैले बानी, एकरा अलावा हमनी तो मीडिया के लोग रुआ के पूरे मदेशे के नेता बुझतनी सन, केंद्रीय सदस्य बानी रुआ एगो विज्ञ व्यक्ति भी बानी। अब एगो चीज एक जौन चीज सब कोई के दिमाग में आम जनता के दिमाग में खटक रहल बा, उ सवाल हम रुआ से पूछे के चाहे, ई जौन घटना घटल बा वहाँ पार्टी के दिग्गज दिग्गज लोग के उपस्थिति में घटना घटल बा, पार्टी के बहुत सारा केंद्रीय सदस्य लोग वहाँ बा, पार्टी के सचिव साहब वहाँ बड़न, पार्टी के अपने के सह इंचार्ज के भी बात आवटे प्रदेश के, तो ऐसन ऐसन किस्म के लोग जो वहाँ बाटे तो ये ऐसा घटना घट जाता तो कहीं ना कहीं तो जिम्मेवारी लेव के पड़ी नु डॉक्टर साहब। और वह बिल्कुल ठीक कहनिया जी, सब लोग बा प्रदेश के सह इंचार्ज वहाँ का बानी, वहाँ बानी ओकरा साथ साथ अपने जोन कहनी है कि जिला के सचिव बानी वहाँ का ओकरा साथ साथ मतलब ये जिला के खुद इंचार्ज बानी वो घटना में जी, वो घटना के बेरा वहाँ उपस्थित बानी जी। अब जब से पार्टी के नाम पर कोई योजना बना के आ कुछ अगर करे जाता वही जान बैठल बा, वही जान एक बैग जे वासे बिल्कुल मतलब ट्रैक्टर पर लाठी फराठा दुनिया जान सब कुछ लेके कहीं नुका के रख ले बा, आ ई चीज जे वासे कार्यक्रम शुरू होके से पहले ही अगर हो जाता तो ई कहीं ना कहीं जे वासे वो चेहरा चेहरा चिन्हे में डाउट भइल, काहे कि चेहरा जब हमरे पार्टी में कोनो आदमी प्रवेश कर गइल तो ओकरा से तो हम कोनो मतलब
भय खाए के चाहे ओकरा से कोनो शंका रखे वाला बात तो नानू होला। डॉक्टर गोपाल ठाकुर जी रोवा ई संकेत करे के चाहतनी कि सुनियोजित तरीका से वहाँ पहले से प्लानिंग करके लाठी पठार राख के योजना बनावल गई रहे या कार्यक्रम भइल तो ओकरा बाद में ई लोग योजनाबद्ध हिसाब से मारपीट शुरू कर देलक। योजना निश्चित रूप से पहले से रहे जी, चाहे 2 घंटा पहले होके या 4 घंटा पहले होके जी, वो सांघातिक मतलब लाठी पराठा वहाँ मतलब पहुंचल बा घटनास्थल के नजदीक में आ ओकरा हिसाब से भइल जी। तो अब जे बस है पछाड़ी से छुड़ा भोग देवे अपने साथी जकरा साथे हम चलता नहीं जी, तो ओकर तो बादे में ना पहचान आई, तुरंत तो पहचान वाला बात तो ना हुई जी। लेकिन ओकरा बाद जे बस है ओकरा बाद की परिस्थिति देखी, मैंने अपराधी लोग के ढूंढे के बात भी भई, अपराधी लोग भी मिला था राजकुमार गुप्ता महाशय के घर से जी, राजकुमार गुप्ता के भी ले जाई जाता, ओकरा बाद बसे बसरुद्दीन जी के भी ले जाई जाता, ओकरा बाद ओजा से दुगो सशंकित लोग जब वो लोग के पता लागल कि अभी बांचे वाला नहीं थे मुकेश चौरसिया, ओकरा बाद में तो दू आदमी बहाना करता जो हम जाता नहीं आईसी हमारा मतलब वेंटिलेटर में ले जाए के परी कहके बसरुद्दीन वहां से उठ के चला होता है, ओकरा बाद मतलब राजकुमार गुप्ता जी के भी छोड़ दिया जाता, ओकरा बाद बस जौन दू गो जौन खास मतलब अपराधी में जो दू आदमी रहे वो पुलिस के निगरानी में वहां से निकल जाता। तो ई गेम जौन बा ये गेम कोनो बहुत नजदीक से मतलब बहुत छोट स्तर से ये गेम खेलल नहीं खे जी। तो वो है ये राजनीतिक अपराधीकरण आपराधिक राजनीतिकरण के नतीजा वो जी, ये जगह से नियोजित रूप से कैल गेल बा वही से एकरा एकरा साथ साथ यावरी जगह से कहाँ प्रमाणित होता। डॉक्टर साहब एक मिनट एगो सवाल यही में जोड़ दी राउरे जो जवाब दे रहा बनी वही में हम एगो सवाल रुआ कथी संकेत करे के चाहतनी कि जो योजना बनाए वाला जो व्यक्ति के अभी माननीय राजकुमार जी के रुआ बात लेनी है उ व्यक्ति के जो नाम अभी आ रहा बा रुओ भी अभी कहनी है योजनाकार में उहो बनी का। बिल्कुल बिल्कुल योजनाकार बनी, मतलब राजकुमार गुप्ता जी योजना बना के वहां झगड़ा करनी। बिल्कुल एमे एकदम स्पष्ट शंका बा रुआ लन के। शंका नहीं थे जी, शंका के बात नहीं थे जी एकदम। हम तो बारह जिला के बानी, घटनास्थल पर हम उपस्थित ना रहनी जी जी, लेकिन वहाँ के एक एक लोग वे कहते हैं राजकुमारी सब करेले बड़ौन नंबर एक, नंबर दू राजकुमार के पहले पुलिस उठा के ले आओतिया जी, और बाद में काल हमने का जब भेंट करे गई नहीं पुलिस के एसपी महारानी से, तो एसपी महारानी के विषय आता जो हम मतलब राजकुमार जी तो पैसा ही आउन भाई को थी। डॉक्टर साहब उस विषय में हमने के पुलिस के विषय में भी हम रुआ से पूछे, हम अपने की बात कहता नहीं ओकरा बाद जे बस है इन्हें लिखा था फेसबुक में जे शेर शेर ही होता है जी, सारा चीज में शंका नहीं थे यकीनन बात उहे बा। और दूसर बात कथी बा कि हम अगर जाहिरी लेके जाता नहीं कहीं कुछ देवे तो हमरा जे बसे जेकरा पर शंका बा आ ओमे से पुलिस कहती है जे तू फानवा के नाम में से हटा दे ओकर बाद में हम दर्ता करें जी, तो ओ से बेसी दूसर प्रमाण कथी चाहिए आज तक ले कहीं भी ऐसा नहीं थे। डॉक्टर गोपाल ठाकुर जी हम रुआ से पहले झगड़ा के बाद हम सीरियली जाए के चाहते नहीं रुआ बीच में मैंने लिया देनी वहाँ के बाद तो उहे प्रश्न हम रुआ के हम रुआ के उहे बात अब पूछे जा रहा मैंने। तो स्पष्ट हो गई कि पार्टी में अराजनीतिक रुआ जैसे कि पूजी के बात कहनी है ये सब आदमी अला के बाद में ऐसा घटना घटत आ राजकुमार जी योजना बना के भेज देनी कह के स्पष्ट रुआ आरोप भी लगा देनी। अब हम रुआ के पुलिस के बात में भी हम लिया के चाहे आज 2 दिन हो गई घटना भैला जाहरी काहे नहीं के दरता होत रुआलन के पार्टी के सरकार बा इतना दिग्गज नेता बानी लगन रुआ लोग यहाँ तक ले के स्थायी कमेटी सदस्य हमनी के माननीय पूर्व मंत्री नी वर्तमान मंत्री कहल जा पूर्व मंत्री का नी वर्तमान मंत्री मातृका यादव जी के नेतृत्व में यहाँ गैला के बाद में भी मैंने जाहिरी दर्ता नहीं के हो तो काहे नहीं के होते पीछे का कारण बा। अब सुने अपने के सिलसिलेवार ढंग से बता देता नहीं हम जी बताओ। सबसे पहले कालू हमने का गईनी तो अपने
दिन में कार्यक्रम भरी रखा ओहू में हम बोल रहे हैं जी की एसपी महारानी साहिबा जी हाँ के गेट नहीं खे खुलत मातृका यादव की गाड़ी भीतर करे खातिर। तो जब मातृका यादव कहनी जे वहां लाई भन देनुस छत बाट हाथ हलाई दिनु हुन्छ हामी त रहती हो वहां को अनुहार हेर्छौ दर्शन पाउँछौ जान्छौ ओकरा बाद में जब से गेट खुलता जी आ जब हमी के जाता नहीं जब जब भेंट होता तब भेंट भइला के बाद में ऊ कहता नहीं जी जे हे में से हई नामो हटा दी हम दर्ता कर देता नहीं जी इनकरा नाम के राजकुमार जी के हाँ, एकरा के स्पष्ट करते चली डॉक्टर साहब हाँ जी राजकुमार जी के नाम के रउआ पेट बोली में रख दी तो सवाल बा जे वहां गोपाल ठाकुर जाहिरी लेके नहीं खन गई जी वहां मतलब छोटे लाल यादव जाहिरी लेके नहीं खन गन चाहे मातृका यादव जाहिरी लेके नहीं खन गई जी जाहिरी जे लोग देवे के चाहता वो लोग के हमनी के सहयोग करे गई बानी तो जे जाहिरी देता तो जाहिरी में अगर वो कीटानी जाहिरी देता जे फलाना पर जी हाँ तो जाहिरी देवे के तो ओकरा संवैधानिक अधिकार बानो बिल्कुल ओकरा संवैधानिक संवैधानिक अधिकार बा ओकरा कानूनी अधिकार बा जी हमरा कोनो आदमी पर जाहिरी देवे के अधिकार बा ओकरा बाद जे बसे जाहिरी लेके ओकर खोजबीन सारा चीज होई नो जी खोजबीन सारा चीज होई खोजबीन में जौन अपराधी ना होई छूट जाई जी जे अपराधी ना होई छूट जाई हां हां जी तो ओकरा बाद जे बसे ई एसपी महारानी के जाहिरी लेवे में का दिक्कत बा आ ऊ सिखाई जे फलना के नाम फलना लगे राख द हे पेट बोली में राख नंबर 1, 2, 3 में मत राख जी ई माजरा का हो ओकरा बाद में उतने बात नहीं थे सीडीओ साहेब कह चुकल बानी की अपने एकरा के दर्ता कर दे ओ पर दर्ता ना भइल ए प्रदेश के डीआईजी कह चुकल बालन की दर्ता कर दे जी दर्ता ना भइल गृह मंत्री कह चुकल बालन जे दर्ता कर दे जी दर्ता ना भइल ओकरा बाद जब सांझ के हमनी के नेता ओइनी कॉमरेड सुरेंद्र पांडे जी जी सुरेंद्र पांडे जी के साथ हमनी के जब मीटिंग भइल जी ओकरा बाद में वहां तुरते मतलब गृह सचिव के फोन कैनी जी तो गृह सचिव के तरफ से कहा आइल जे हां गृह मंत्री जी ले त भनी सक्नु भएको छ एक चोटी प्रधानमंत्री जी संग म भेट्न जाँदै छु उहाँले भन्नुभयो भने म भन्दिन्छु दर्ता गर्नको लागि त ई समूचा चीज देखला के बाद में जी रुआ कहानी है कम्युनिस्ट पार्टी के संदर्भ में भी एगो शेर भाई ऐसे पहले भी अपनों के बीच में हम रख ले रहे जी, जी, बिल्कुल रख ले कोनो कार्यक्रम में हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब एक ख्याल अच्छा है तो कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिकता में चलेला प्रधानमंत्री के लगे असीमित अधिकार बा सब कुछ बा संवैधानिक रूप से वहां का बानी कानूनी रूप से वहां का बानी लेकिन लोग वोट तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दिले बा जी डॉक्टर साहब ओ विषय में हमनी के आवाज सुनी 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 ओकरा बाद जे बसे अपने के बात पर हम फिर मतलब क्लियर हो जाता नहीं जी तब प्रधानमंत्री के आदेश कुरे वाला जौना देश में गृह मंत्री के अंडर में सचिव नहीं थे जौना देश में आईजीपी के अंडर मतलब एसपी नहीं थे जौना देश में सीडीओ के अंतर्गत एसपी नहीं थे जौना देश में डीआईजी के अंतर्गत एसपी नहीं थे तो ओइसन किसिम के फालतू किसिम के मतलब अपने के प्रशासन संयंत्र के बारे में अगर प्रधानमंत्री बेखबर बा तो प्रधानमंत्री के लाचारी पन बा जी डॉक्टर साहब ई रुवा का कह रहल बनी ई तो चैन ऑफ कमांडे नहीं के रुवा बता रहल बनी हाँ चैन ऑफ कमांड नहीं ई तो चैन ऑफ कमांड की बात हो गई चैन ऑफ कमांड कर मतलब रुवे लगन के सरकार में रुवे लगन के पार्टी के लगभग दू तिहाई नजदीक के सरकार में चैन ऑफ कमांड बिल्कुल नहीं के चैन ऑफ कमांड नहीं थे वो हम कहे वाला नहीं है सबसे पहले का चीज चैन ऑफ कमांड नहीं थे तो वो या तो मतलब गृह सचिव झूठ बोला था जी कि प्रधानमंत्री मतलब ले भने पछि म चाहिँ भन्छु
कोई मतलब ई बात प्रधानमंत्री तक पहुंच गई बा डॉक्टर साहब। दूसर बात का दिवजे कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री भी एमे ढिलाई करता नहीं तो वहां तक ले भी पहुंचे वाला कोनो गैंग बा जोन को उनकरा के भी गलत किस्म के मतलब हिसाब से प्रलोभन में कोनो ना कोनो हिसाब से वहां का गलत किस्म के कोनो भूमिगत गिरोह के इशारा में वहां का चलता नहीं ना तो कम से कम यहाँ के एसपी चलतिया। जी डॉक्टर साहब एगो चीज हमनी के स्पष्ट क्लियर करते चले पूरा मदेश के जनता ई कार्यक्रम सुन रहल बा हमनी के ई जन सरोकार कार्यक्रम और आवाज सुन रहल बा रउआ कहे के मतलब यहाँ के सीडीओ साहब एसपी साहब के बोल देली कि जे तू रजिस्टर कर फाइल ओकरा बाद में अपने के डीआईजी साहब भी बोल देलन ओकरा बाद में अपने के गृह मंत्री तक ले बोल देलन तो अपने के का लागता ई अब कहत रही कि प्रधानमंत्री बोलियन तब करेम बात तो वे आइल माने रउआ स्पष्ट करे के चाहता नहीं कि जे प्रधानमंत्री बोलियन इनके के तबे जाके जाहिरदार तक गृह सचिव के अपने के गृह मंत्री से निर्देशन हो गई लेकिन प्रधानमंत्री के निर्देशन के बिना हम ना करें कह के कहता कि गृह सचिव एकर अर्थ ई भेल कि गृह सचिव या तो ढाटता जी झूठ बोलता चाहे कि गृह मंत्री के कहला के बाद गृह मतलब गृह सचिव के करे के चाहिए बिल्कुल जी। आई गृह सचिव के देखा के गृह सचिव के आदेश नहीं खे आयलू मुंह से तो नहीं खी कहत लेकिन मुंह से तो वो मैं तो बानू उनका सिखा दल गई हुई जी तो वहां का सिर्फ एक ही बात कहता नहीं कि राजकुमार गुप्ता के नाम हटा दी तो ए में अब हम उहे चीज कहे के चाहता नहीं कि चेन ऑफ कमांड कुछ यू नहीं थे जी। आ चेन ऑफ कमांड के अंतर्गत में जहां प्रशासन ना चली तहां जे बसे कोनो भी काम कोनो किस्म के शांति अमन चैन के आशा कोई ना जा सकेला जी। एगो और दूसर का सवाल भी अब जनता के दिमाग में एकदम खटक रहल हुई डॉक्टर साहब रुआ इतना प्रभावशाली नेता बनी हम रुआ से पूछे एगो एसपी अपना जगह पर एगो अधिकारी बन के कह सकता कि फलना आदमी के नाम हटा दे तबे जारी कर दर्ता करेम ऐसा हो सकता का। अब हमनी के सामूहिक छलफल में कहले बड़ी सामूहिक छलफल में कहते कि फलना आदमी के नाम हटा दो तब जाके जारी दर्ता करेम बिल्कुल बिल्कुल तो विधि के शासन कहीं भी नहीं के सुनल बात नहीं खे हमनी के सामने आमने सामने के डायलॉग टेबल टेबल टॉक में कहले बड़ी कि फलना आदमी के नाम हटा देल जाओ एक नंबर में ना रखे बड़ी तब तो ये विधि के शासन भैबे ना कहल उनकर तो काम ही ना हुए तो का विधि के शासन कौन विधि के शासन के बात कहले बनी ई मतलब रउआ लन हम तो रउआ से सवाल करेम रउआ सरकार पक्ष के आदमी बनी राउर सरकार बा ओमे भी दू तिहाई नजदीक के सरकार बटे आ तब तो विधि के शासन नहीं के कह के रउआ अपने पार्टी के भीतर अपने आरोप लगा रहल बनी यहाँ तक तो कि सुरक्षा के भीतर और सब के भीतर तो चैन ऑफ कमांड ना हुई अलग बात बा मान सकल जाता कुछ देर खतरा लेकिन जेकरा सुरक्षा के जिम्मेवारी बटे ओमे अगर चैन ऑफ कमांड नहीं के हो तो ई तो बहुते बड़का बात न हो गई हमरा बहुत दुख के साथ कहे के पड़ रहा बा काहे कि एगो तो जान चल गई जी हमू जानता नहीं कि अपने सरकार बा ओकर आलोचना ना करे के चाहिए लेकिन एक तरफ गृह सचिव कहता जे प्रधानमंत्री न भने सम्भव मत आई भन्नी न आ दूसरा तरफ प्रधानमंत्री हमनी के संपर्क से बाहर बढ़न प्रधानमंत्री का अभी तक ले वक्तव्य भी नहीं खे आवत जी आई एसपी काम नहीं खे करत आई एस पी के तानल भी नहीं खे जात अभी तक ले ऐसन अपराध में तो एस पी के तो कुर्सी तक खतरा में पड़ जाए के चाहिए बिल्कुल ये बात पहुंच गई बा लेकिन ओकरा बावजूद यही एस पी के अगर तगमा देहल जाता तो एडवांस बुकिंग हो तगमा एडवांस बुकिंग करके तोहरा के तगमा देता नहीं हम जौन कहता नहीं तुम तू करिए ऐसा किसी के मतलब निर्देशन के मुताबिक ही काम भइल बा पहले जौन सम्मान दिए कॉमरेड भी बोल रहे हैं सम्मान के बारे में रुआ कहता नहीं एकरा पहले जौन सम्मान जौन अवार्ड दिया इर लख उस सम्मान के विषय में रुआ कहता नहीं अभी वो जौना किसी के अपराध कैले बड़ी सबसे पहले वो सम्मान से बेदखल कर जाए के चाहिए अगर उस सम्मान से बेदखल नहीं कर जाए तिनकरा के एकर अर्थ ई बा जे उस सम्मान एडवांस बुकिंग कल गेल बा कि इसने किसिम के आपराधिक घटना कराओ जी। डॉक्टर साहब गोपाल ठाकुर सर ई तो अब जनता में ई मैसेज जा रहल बा कि सुरेंद्र पांडे जैसन नेता पार्टी के दिग्गज नेता मातृका यादव जैसन पार्टी के दिग्गज नेता गोपाल ठाकुर जैसन दिग्गज नेता अपने के नागेंद्र चौधरी जैसन नेता लगायत के तमाम नेता लोग के कहला के बाद में भी अपने पार्टी के सरकार रहला के बावजूद में भी आंदोलन करे वाला स्थिति आ जाता है एगो मुद्दा दार्ता करे खतरा तो ये तो क्या अपेक्षा कर रही जनता रुआ लगन से अपने अपने के ऐसे पहले भी बता दी सिमरौनगढ़ के इंस्पेक्टर ऐसन के कुछ गलत सलत करत रहे
ओ समय के सीडीओ साहब चल गए एसपी साहब अभी एत ही बड़े जी सीडीओ साहब के साथी लोग कहे गए कि ऐसा ऐसा हो रहा बात है। सीडीओ साहब कहता कि अपने के विपक्षी से लगे सारा साधन बात सब कुछ बा अपने लोग लगे कुछ नहीं खे तो ओकर बात ना सुनी जी। एसपी साहब भी उहे बात कहलन आ वो इंस्पेक्टर के चाल ये रहे जो हमनी के साथी पर कोनो खर खुर खुराता तो तुरते मतलब ओकरा के पकड़ के भीतर कर देवे के जी। आ हमनी के साथी अगर केहू पर जाता कुछ मतलब केस उस लेवे तो दो महीना तक ले तीन महीना तक ले कोनो सुनवाई ना करेगा। यहाँ तक ले कि एसपी के निर्देशन में एसपी के तो आदेश के मुताबिक भी वो इंस्पेक्टर कुछ ना करे जी। ओकरा बाद में बाध्य हो के हमने क्या आंदोलन कहनी आंदोलन कहला के बाद में उस सीडीओ जैसे पहले वाला सीडीओ जी जे के वो पंडित जी रहे तो कहलन की अपने आंदोलन कैले बानी वही से इंस्पेक्टर के हमनी के सरुआ ना कहनी तो ए तरह के लपंगा लुच्चा टाइप के जहां मतलब चैन ऑफ कमांड के बिल्कुल कुछ और नहीं खे वैसन किस्म के लुच्चा लफंगा टाइप के सीडियो बना के भेजल जाता तो ईगो वाला बात सुना रहल बनी डाट सब रुआ तो एगो हाकिम में एगो कर्मचारी में जनता के सेवक में ईगो तो ना होके के चाहिए। सबसे पहले जनता के सेवक जी ई हमनी के जोन सरकार व सरकार के जोन प्रधानमंत्री बाड़न वो प्रधानमंत्री के कोनो लाचारी हुई चाहे वो जान बुझ के ऐसा किस्म के कराओ तो जी समुचा चीज के कमांड उन करे हाथ में बा ई हमनी के समझ में आवता व्यवहार से। तो बारा जिला की स्थिति जोन रहे वो इंस्पेक्टर साहब के उस सेम स्थिति अब हमनी के यहाँ गंगा पंत एसपी साहब के बा ओसे दस गुना बेसी बा ओसे दस गुना बेसी बा। हाँ अब डॉक्टर साहब एक जगह नहीं थे एक जगह के बात हो के तब नो जी जी सब जगह बा बहुत जगह बा ई बहुत जगह बा जी। तो बारा जिला में तो खाली वो सुनत रहे पिटत रहे अपना मतलब सज्जन लोग के दुख देत रहे डॉक्टर साहब। अब ये संदर्भ में एक और सवाल लेकिन सवाल में आदमी मर गए ओकरा के न्याय नहीं खे दिला होती है जी। उहे संदर्भ में हम एगो और बात रुआ साथ जोड़ दी ये जोन हमनी के बातचीत करिए रहल बानी सन अभी एसपी संबंध में राउर एगो पोस्ट बहुत ज्यादा आज वायरल भइल बटे ई राउर एगो पोस्ट राउर एगो फेसबुक पर मुहार पुस्तिका पर एगो पोस्ट बहुत बढ़िया वायरल भइल बा परसा की एसपी रानी को निगाह बॉक्स राजकुमार गुप्ता को सात खत माफ गुप्ता ना हो राजकुमार का सात खत माफ राजकुमार का सात खत माफ तो अब तो गुप्ता लोग अपने मने नु बुझ जाता ना तो यहाँ कथी बजे रानी बाड़ी और राजकुमार हो तो समूचा खत माफ ना हो मतलब समूचा ना सात को खत मतलब सात को खून माफ बा उनकर ई जबले बाड़ी तबले तो वो अभी तक लौकी रहल बा नु मतलब ये अभी तक ले के अवस्था से लोक रहल बा कि जे उनका नजदीक के जे भी लोग होई एके गो भइल बा ओइसन सातो को खून करियन गुप्ता वो राजकुमार तो राजकुमार पर रानी कैसे एक्शन ली जी वो तो गणतंत्र के राजकुमार हो गए ना गणतंत्र के रानी बाड़ी जी वही के चलते एक्शन नहीं खेलिया ना जी। ई जोन न्यूज बाटे ई न्यूजे लगभग लगभग बीरगंज के सभी सामाजिक संचार पर राउर पोस्ट वायरल हो रहल बा कि जे ऊ रानी बाड़ी ऊ हमनी के अधिकारी ना हई आ उ राजकुमार बाड़े तो रानी एगो राजकुमार पर कैसे मने कार्रवाई करियन व्यवहार से तो वही लोग कहता जबकि डॉक्टर साहब जाहिरी दर्ता ई बहुत स्पष्ट था बा सब कोई के जाहिरी दर्ता होकेला मुर्दा दर्ता होकेला ओकरा बाद में छानबीन होकेला आ जे दोषी होकेला ओकरा पर कार्रवाई होकेला जे दोषी ना होकेला बाइज्जत बरी होके जाला जी। तो मुद्दा दर्ता कर ले में उतना बड़का बात तो नहीं बुझा जितना बड़का बात एकरा के बना देहल गइल बा दर्ता होई मुद्दा जे आरोपी होई ओकरा ऊपर बहस होई जे आरोपी होई ओकरा सजाए होई जे आरोपी ना होई वही बाइज्जत बरी होई सुने ना हमने का उहो कहनी जे तोहर तू जौन जौन कह जी उ लिख के दे दो कि यो कारण ले यो दर्ता करने मिल रही ना। अच्छा लिखित में मंगनी लगन रो वालो हां तो वहां के देली कि ना यो कारण ले दर्ता हो रही ना वो लिख के दे दो जी वो देवे खातिर तैयार ना। अच्छा वहां के लिखित रूप में रो वालन के ना देनी ना तब तो ये यो मिल रही ना जी ये तो कानून ले यो पनी मिल रही ना त्यो पनी मिल रही ना त्यो पनी मिल रही ना तो हमने के गणतंत्र की अनुभूति कहां से हुई केंद्र में अपने सरकार रही है चाहे कुछ और रही गणतंत्र की अनुभूति में जी वो एगो एसपी अपने रानी जैसन ओकरा जो निगाह हुई तो उन्हें ठीक होगा
वास्तव में जनप्रिय बात तो ना भइली सर, जन विरोधियों में सबसे खत्म है एकदम, मतलब लज्जाजनक बात बा जी। अब डॉक्टर साहब, डॉक्टर गोपाल ठाकुर जी, अब हमनी के इहे संदर्भ में हम थोड़ा सा पार्टी के बात भी रुआ के जोड़े के चाहे, काहे कि हमनी के घटना के बारे में जौन बहुत ही दुखद घटना भइल बाटे, लगभग दू नंबर प्रदेश में का लगभग देशे में ऐसा किसिम के घटना, एक एगो पार्टी के भीतर मृत्यु हो जाए वाला घटना, चांचुड़ले हार्डली होत हुई ये सब घटना सब, आ बहुत दुखदायी घटना बा, उनका प्रति हमनी के श्रद्धांजलि बाटे, ऐसा किसिम के घटना ना हो को कह के भी हमनी के एगो मने आशा कइल जा सकता, हमनी के एगो मनसाय रही कि जैसा किसिम के घटना हो को। अब इ घटना के मूल कारण और हम आवे के चाहते नहीं, रोवा के भी लियावे के चाहते नहीं, अपने के का लागता पार्टी में अराजक तत्व तो के और राजनीतिक तत्व तो के ज्यादा रोवा लगन से ज्यादा हाली मोहाली हो गई बका? जौना बात के जवाब हम वही जान से शुरू ही कहीं नहीं है अपने के कार्य जी, शुरू तो कहीं नहीं है लेकिन रोवा लगन से ज्यादा हम कह रहा बनी, रोवा लगन से ज्यादा ये अराजक तत्व जौन रोवा कहनी है हम ओकरा के, और राजनीतिक तत्व भी हम कहे के चाहते नहीं, जेकर राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं के, जे राजनीति से ज्यादा हाली मोहाली ना अपन व्यापार से अपन पूंजी से हाली मोहाली राखेला, ओइसन किसिम के लोग के हाली मोहाली, ओइसन किसिम के लोग के दबदबा ज्यादा हो गइल बा का नेकपा में? दबदबा के अर्थ की वो लोग के संख्यात्मक रूप से परिमाणात्मक रूप से वो लोग बेसी नहीं थे जी, चोर सही अजोर सुन ले बनी अपने जी, बिल्कुल एकदम मदेशी भाषा के भोजपुरी भाषा के बड़का उखान है। हाँ जी, तो चोर सही मजोर अजोर माने दे देनी बंदूक तो हो गई हवलदार जी, माने जनता के गोड ला के पैर छूके सारा चीज करके जे हम तोहर सेवकाई करेम, हमरा के इतना दिन खातिर कम से कम अपन जन प्रतिनिधि बनावा हो, भाई हो, बाबा हो, दादा हो, माई है जी, ओकरा बाद में हाथ में लाठी मिल गई तो ओकरे के पिटला के बाद में जी तो कुछ दिन तकले तो जनता देखेला नो जे कैसन करता, एक आधे गति का गलतियों हो गई तो कोनो बात नहीं है, लेकिन जब ज्यादा हुई या जब जनता खड़ा हो जाई जी, 250 के ये राजतंत्र तो ना टिकल जनता के अगाड़ी जी, तो पार्टी में ऐसा किसी का आपराधिक तत्व कितना टिकी? हाँ, कुछ देर खातिर बवंडर बचा सकता डॉक्टर साहब, ये तो टिकी ना टिकी भविष्य बताई, लेकिन अभी जोन वर्तमान स्थिति जोन लौक रहल बा, ये तो रोवा लगन से अच्छा एगो अच्छा तत्व जोन बाटे, एगो अपन निजी स्वार्थ त्याग के सेवा के भावना से जे राजनीति कर रहल बाटे, ओइसन किसिम के लोग के तो आज के स्थिति में दबावल जाता टे, ये स्थिति देखला के बाद में राउर बात सब देखला के बाद में ये हाली मोहाली तो ज्यादा हो गई। निश्चित रूप से सिधरी के रखवारी बिलाई के दे दी आई, आ वो बिलाई कोई सन जी, मांसाहारी बिलाई? ना ना, बिलाई तो मांसाहारी हो रही है, सबसे पहले हमने के तरह से बुझे के पड़ल, लेकिन वो बिलाई के भेष में ना आईल, वो आईल घर में पठरू के हिसाब से जी, तो एगो पठरू तब शाकाहारी होला ना, लेकिन पठरू के खोल ओढ़ के आ गई बिलाई जी, तो पथरू के खोल ओढ़ के जो बिलाई आ गई बिया, तो वो बिलाई जब पहचान में आ गई जी, तो बिलाई के तब मतलब सही किस्म के दंड सजाए तो ओकरे करी, एक आध जगह तो दूध वो पी जाई, दो चार दिन पी जाई, लेकिन सब दिन तो ना पिए सकी, लेकिन एकर अर्थ की ओकरे बोलवाला हो गई, उहे मतलब सब दिन खातिर निर्णायक रही से बात नहीं की, हाँ कुछ समय खातिर हमनी के जिम्मेवारी देवे में कुछ करे में जी, यो कुछ कर दे की अपने के, हम एगो यो बात कहे के चाहता नहीं कि राजा महेंद्र जौना समय में पंचायती व्यवस्था ली अलन जी, तो दांग में एगो थरविन दाई से पूछलन जी, ये दाई बता तो पंचायती व्यवस्था कैसन लागल, तो थरविन उनका कहलक जे बबुआ बहुत बढ़िया बा, अच्छा बा, काहे अच्छा बा, ए गांव घर बिल्कुल शांत बा, अभी कोनो किसिम के गलत सलत बात नहीं सुना, तो का भइल ओइसन? अरे बाबू, जितना चोर फटा लबरा बदमाश रहे सब के तू पंच बना देला भाई, जेकरा चलते अभी गांव बहुत शांत चलता जी, हैं तो वही तरह से हमनियों के बीच में वो बुढ़िया तो सब को अलग जी, लेकिन हमनियों के बीच में कुछ ऐसा के किस्म के तत्व कोनो न कोनो हिसाब से भेष बदल के जी आ गई बा,
और वो कुछ अपन तांडव दिखावता आखिर पंचायती व्यवस्था में वो थोड़ा दिन तक शांत लागल रहे लेकिन पंचायती व्यवस्था शांत तो ना भइल। पंचायती व्यवस्था शांत तरीका से जनता के पक्ष में रही तो पंचायती व्यवस्था चली तो बहुत दिन तक ले जी, जी, तो पंचायती व्यवस्था गई जी डॉक्टर। तो वही तरह से अभी जब आते कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर नेकपा के भीतर भी कुछ ऐसा किस्म के घुसपैठ बा समूचा घुसपैठ के समाप्त करे के परी आ ओकरा खातिर जब आते तब तक ले जी। अरे धर्म ढाई ढाई तो ले पाप गोत मारेला कहेला नो जी जी। तो वही हिसाब से गोत मारता लेकिन ये पाप के ये घड़ा जोन बा ये घड़ा भर गईल बा जी जल्दी फूटे वाला बा जी। अब डॉक्टर साहब अब ये राउर बात तो सारा जनता सुनिए लगलग। अब अपने के ये विशेष मुद्दा जोन आज के कार्यक्रम हमने बनैले बनी सन ई जोन मुकेश चौरसिया जी के मृत्यु भइल बा उनकर दर्ता नहीं हो के सकत मुद्दा रुवालन आंदोलन करता नहीं ये मुद्दा पर हम रुवा के लिया के चाहते नहीं। हमारे सवाल ई बा कि अब अपने लोग कब तक आंदोलन करें जब तक ले मुकेश चौरसिया के मुद्दा दर्ता ना होई जी आ जौना हिसाब से जाहिरी दियाइल बा वही हिसाब से दर्ता ना होई जी तब तक ले हमने के आंदोलन अगाड़ी बढ़ी। अब ई आंदोलन जी खाली वो बिंदवासनी गांव पालिका के नहीं से रह गई परसा जिला के तो होइए गई जी जी। आज हमने का उद्घोष कहनी है कि अब तुरंत कितना जल्दी हो सके हमने के तुरंते बातचीत करके छलफल करके एकरा के प्रदेश स्तरीय हमने का बनावा जाता नहीं हमने के प्रदेश के सबसे सर्वोच्च नेता हमने के कमरेड मातृका यादव हमने के पार्टी के स्थायी समिति सदस्य निवर्तमान मंत्री हमने के साथे बानी बातचीत हमने के हो रहा बा। यही बीच में अब कम से कम ई हमने के पर्व त्योहार भी आयल बा तो ऐसा आपराधिक लोग जो अपने अपने भी मतलब वो लोग के समस्या तो ना हुई से बात नहीं खेई महारानी साहिबा के भी समस्या ना हुई से बात नहीं खे लेकिन ओकरा से ज्यादा समस्या हमने के बेताड़ी मतलब ये दशई के समय में कहाँ तक ले जनता अपना घर में रही तो ये आंदोलन करे होता जी जी। तो इस सब चीज के लेके हमने के अगाड़ी के कार्यक्रम हमने बनाए बस ये आंदोलन चली इतना अपने के विश्वास दिलाओ के चाहता नहीं हमारा श्रोता लोग के खास करके न्याय प्रेमी माई बहन भाई बंधु लोग के हम आश्वासन दियावे के चाहता नहीं कि अपने लोग के भी साथ चाही हमनी के ये में कॉमरेड मुकेश चौरसिया के न्याय दिला के ही हमनी का दम लेब आ ई जे बाते दर्ता ना कैला से ई महारानी साहिबा के कोनो मतलब धर चले वाला नहीं खे जी। अब एगो बा कि जी जी बोलिए एगो हमने के हमनीये के देहात में कहला कि गोरकी जाई तो सवरकी आई सवरकी जाई तो गोरकी आई जी है जी जी। सही जाइ हम दोसर आई आ जाता इनकरे से हमने के इनकरे से नाक दरवा के दर्ता करवाए जी हां आई जोले ना करी हम तब तक ले आंदोलन जारी रहे जी। इहे संदर्भ में अब आंदोलन के संदर्भ में भी एगो और बात हमरुआ से पूछ देवे के चाहता नहीं हमनी के मुकेश चौरसिया जी जेकर मृत्यु हो गइल बा उनकर पार्थिव शरीर जोन बाटे उ अभी तकले जोन रीति रिवाज अनुसार अंत्येष्टि होखेला उ अंत्येष्टि कहिया तकले ना होई। ए संदर्भ में हमनी के कानूनी रूप से व्यवहारिक रूप से पारिवारिक रूप से भी हमने का छल फल में बानी बातचीत में बानी एकर जवाब भी अपने के जल्दी मिल जाए। अच्छा एकरा संबंध में कोनो डिसीजन अभी नहीं के भइल अभी नहीं के भइल जी। डॉक्टर साहब डॉक्टर गोपाल ठाकुर जी अब हमने के कार्यक्रम के अंत अंत आ गेल बानी सन ये आज के आंदोलन परसुआ के घटना ओकरा बाद में एसपी के गतिविधि ये सब समेट के छोट मीठ में समय के मध्य नजर रखते हुए रुआ कथी कहे के चाहें। थरुहट में वो कहावत बा जान के धरी है खोटी पर ला तब बैठल खई है मासे भात जी। तो वह खोटी पर लात धरा गईल बा या मांस भात खाए के चांस आ गईल बा लेकिन मांस भात से भी काम ना चली मूल बात बजे खोटिया पर लातवा धराइल बा तो भौवा कैसे छूटी ओकर उपाय में हमी के लागल बानी जी जी। डॉक्टर गोपाल ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद रुआ अपन कीमती समय हमनी के देनी ओकरा खतरा बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद श्रोता भाई बंधु माई बहन लोग सब लोग में जी। अब ये खास करके सनातनी लोग जितना लोग बा वो लोग में ये दशहरा दीपावली छठ के हम हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हुए ये दशहरा के जो त्योहार बा असत्य पर सत्य के विजय कहा जाला तो ए में हम वो लोग से आह्वान भी करें कि हमने के जौन सत्य पर
असत्य विजय करे के कोशिश कर रहा बा, एकरा के बदले खातिर झूठ पर सांच के विजय वाला जो आंदोलन बा, वो आंदोलन में अपन लोग के साथ मांगतानी, अपन लोग के साथ जारी रही। यह विश्वास के साथ अपन बात के विराम देतानी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताबीन। वहाँ के रनिया हमनी के नेकपा के केंद्रीय सदस्य बारा जिला के सह इंचार्ज डॉक्टर गोपाल ठाकुर जी, बहुते बढ़िया वहाँ से बातचीत भइल का। आज के जौन दो दिन पहले के जौन घटना के लेके आज जौन एसपी कार्यालय के अगाड़ी आंदोलन भइल का, घटना के संबंध में भी वहाँ बहुत विस्तृत रूप से समझनी है, जनता लोग के बतैनी है, हमनी के सवाल के जवाब देनी है। एसपी साहब के भी बारे में वहाँ के बहुते बढ़िया जौन जौन सवाल पूछल गेल का, तौन तौन सवाल के जवाब देनी है। वहाँ लन के आंदोलन भी कहनी है कि आंदोलन जब ले मुद्दा हमनी के प्रकृति के जौन प्रकृति के मुद्दा बा, हमनी जितने दर्ता कराओ के चाहतनी सन, वैसन किस्म के अगर दर्ता ना हुई तो हमनी के आंदोलन के कार्यक्रम जारी रही। तो श्रोताबीन, अब हमनी के कार्यक्रम के अंत अंतर भी आ गई बनी सन। अब हमनी के ई कार्यक्रम जन सरकार सुने वाला का सभी लोग से हमर आग्रह करें कि अपन अपन सुझाव सलाह आ प्रतिक्रिया जरूर देहल जाई। आ प्रतिक्रिया देवे खातिर हमनी के ठेकाना बा रेडियो सानवी 96.4 MHz पानी टंकी बीरगंज, और हमनी के नंबर बा 0151-530-153, और हमनी के मोबाइल नंबर बा 98-550-26-229। जी, यह जानकारी के साथ में फेरू दूसरका शनिचर के कोई दोसर अतिथि लोग के साथ में उपस्थित होकबे करें। तब तक प्रविधि में साथ दे रहल सोनू जी के धन्यवाद देत। हम कार्यक्रम संचालक राजू बैठा भी विदा मांगे के चाहतानी। सुनत रही रेडियो सानवी 96.4 MHz।